स्वयं सहायता समूह 2024 में आने वाली नौकरी जल सखी की भर्तियां किन किन राज्यों में हो रही हैं, किन किन राज्यों की महिलाएं जल सखी बन सकती हैं और कहाँ की नहीं, तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके पहले मैंने जल सखी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा। और जो भी डिटेल्स आप सभी को चाहिए ट्रेनिंग से लेकर के एग्जाम तक, सारी जानकारी बताई है वीडियो में, कार्य वगैरह सारा कुछ बताया है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो देखना ना भूलें। सबसे पहले हम आपको ये कमेंट दिखाना चाहते हैं, उन्होंने बोला है कि क्या राजस्थान में महिलाएं जल सखी के लिए फॉर्म भर सकती हैं। जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान की भी महिलाएं जल सखी के लिए फॉर्म भर सकती हैं। उत्तर प्रदेश की ये योजना है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश की भी महिलाएं इसके तहत फॉर्म भर सकती हैं। वैसे ये योजना जल जीवन मिशन की जो है वो तो केंद्र सरकार की यानी कि भारत सरकार की, मोदी सरकार की है, इसलिए भारत के सभी राज्य की महिलाएं जल सखी के रूप में नियुक्त हो सकती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग समय निर्धारित है। हालांकि अभी कहीं पर भी इसके लिए आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, उत्तर प्रदेश में विशेषकर आवेदन इसके लिए शुरू नहीं हुए हैं। हो सकता है किसी किन्हीं राज्यों में शुरू हुआ हो, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में अभी कोई भी आवेदन जल सखी को लेकर के नहीं हो रहे हैं, ना मांगे जा रहे हैं। उम्मीद बताई जा रही है कि इसी साल के लास्ट तक आवेदन इसमें होंगे, क्योंकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने का कार्य जो है 2024 तक ही निर्धारित किया गया कि 2024 तक हर घर को जल मिल जाएगा, है ना। पानी की टंकियां हर ग्राम पंचायतों में बन गई हैं, तो जब टंकियां बन जाएंगी, नल भी लग जाएगा, तभी तो वसूली होगी ना, तभी तो नियुक्तियाँ होंगी। तो बस वही सब चीज़ें हैं इसमें, वही टंकी बनने का इंतज़ार किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस कम्प्लीट हो जाए होते ही इनकी नियुक्तियाँ भी शुरू कर दी जाएंगी ट्रेनिंग के साथ, ठीक है। फाइनल डेट इसकी कोई नहीं आई है अभी, और सभी राज्य की महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं। ओबीसी समूह की महिला उत्तर प्रदेश में अभी भर्ती नहीं हो रही है। हालांकि जब अगर आवेदन होने लगेंगे तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब